नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हम अनबॉक्स करने वाले जियो प्राइमा 2। ये 4G फोन है, वो सब ऐप इसके अंदर आपको मिलने वाली है जो पहले जियो भारत V1 V2 के अंदर आपको नहीं आई थी। V2 के अंदर जो ये ऐप आपको मौजूद नहीं थी, वो सब ऐप जो इस फोन के अंदर आपको मिलने वाली है, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐप स्टोर, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, वो भी 2799 के अंदर। 2800 रुपए के अंदर ये फोन लॉन्च हुआ है। पहले अगर देखेंगे दोस्तों तो जियो प्राइमा लॉन्च हुआ था, उसका अपडेटेड वर्जन जियो प्राइमा 2 लॉन्च किया है। पहला जो जियो प्राइमा था वो बहुत ज्यादा सक्सेस रहा फोन, उसके बाद में ही यहाँ पे जियो प्राइमा 2 लॉन्च किया है कंपनी ने। चलिए करते इसको अनबॉक्स फटाफट से और देखते इसके अंदर आपको क्या स्पेशल चीजें मिलने वाली है, तो जो पहले के जियो प्राइमा के अंदर नहीं थी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते इसको और देखते क्या यूनिक फीचर और क्या स्पेशल मिलने वाला है इसके अंदर। तो दोस्तों बॉक्स अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप में जो ये बॉक्स दिया है, यहाँ पे ऊपर में आपको जियो प्राइमा 2 की जो ब्रांडिंग दी है, साथ ही यहाँ पे 1 ईयर रिप्लेसमेंट का बैच लगा हुआ देखने को मिल जाता है। इस साइड में कुछ हाइलाइट्स फीचर्स इस फोन के जो ये दिए है, तो सबसे पहले आपको यूजर गाइड मैनुअल इसके अंदर देखने को मिलता है। एक जो ये चार्जर दिया है माइक्रो वाला, और एक आपको मिल जाती है बैटरी जो कि है 2000 mAh की बड़ी बैटरी दी है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे फोन अगर देखते तो सिंगल सिम और मेमोरी कार्ड लगाने के ऑप्शन के साथ में यहाँ पे दिया है। दोस्तों यहाँ पे बैक साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है सिंगल कैमरा, और यहाँ पे ही आपको मिल जाता है स्पीकर। हैंडसेट के बैक साइड में आपको जियो की जो ये ब्रांडिंग दी है, हैंडसेट पूरी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैट फिनिश के अंदर दिया है, देख सकते हैं पूरा मैट फिनिश के अंदर बैक स्ट्रक्चर जो ये दिया है। ऊपर की साइड में अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दिया है आपको टॉर्च, यहाँ पे आवाज चाहता है स्पीकर एक, और यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा भी दिया है, फ्रंट कैमरा भी आ जाता है इस फोन के अंदर। नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको हेडफोन जैक 3.5 mm का, और चार्जिंग पोर्ट दिया है जो कि माइक्रो वाला आता है यहाँ पे। दोस्तों पहले बात करते हैं यहाँ पे हैंडसेट के डिस्प्ले की। हैंडसेट के अंदर 2.4 इंचेस का जो ये TFT स्क्रीन दिया है, 6.09 सेंटीमीटर स्क्रीन है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे बटन्स अगर देखेंगे ना तो बटन्स भी काफी अलग और यूनिक दी है। यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर बटन्स दी है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे बटन्स, कीपैड अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। और हैंडसेट का जो डिजाइन है ये भी काफी अच्छा दिया है। यहाँ पे हैंडसेट का ग्लास भी अगर देखते हैं डिस्प्ले के ऊपर का, जो ये भी काफी कर्व देखने को मिल जाता है, हल्का सा कर्व के अंदर दिया है। प्रीमियम सा लुक देने की कोशिश की है यहाँ पे जियो ने, और प्रीमियम निकाला भी है, काफी अच्छा फोन निकाला है यहाँ पे जियो ने। हैंडसेट की बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं ये भी काफी अच्छी दी है। हैंडसेट के अंदर 0.03 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जो कि बैक कैमरा भी अगर देखेंगे तो 0.03 मेगापिक्सल का ही है, और फ्रंट कैमरा भी 0.03 मेगापिक्सल का ही। इसी के साथ ही अगर रैम की बात करेंगे तो यहाँ पे 512 MB की इस फोन के अंदर रैम जो ये दी है। हैंडसेट के अंदर अगर देखते हैं तो आपको 4GB का इंटरनल स्टोरेज इस फोन के अंदर दिया है। इसी के साथ ही GPS का ऑप्शन देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। और दोस्तों अगर देखेंगे तो मेन स्क्रीन के ऊपर में ही इधर की अगर बटन आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे है जियो गेम्स, YouTube आ जाता है। इसी के साथ ही आपको जियो स्टोर इस फोन के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाता है। हैंडसेट के अंदर WhatsApp का ऑप्शन इस फोन के अंदर दिया है, और जियो TV का भी आ जाता है। मेन जो था ये फोन अभी तक के जो लॉन्च हुए थे जियो के, उसके अंदर आपको जियो स्टोर का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। बिलाल जो V2 जो लॉन्च हुए थे, इसके अंदर आपको WhatsApp भी मिल जाता है, जियो स्टोर भी दिया है, YouTube भी दिया है, और जियो गेम्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही कुछ ज़्यादा फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे फेसबुक ये भी दिया है, यहाँ पे म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं। हैंडसेट के अंदर जियो सिनेमा का ऑप्शन दिया है, जैसे आप इधर जाएंगे तो वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों लैंग्वेजेस की अगर हम बात करेंगे तो इस फोन के अंदर टोटल जो है ये 16 लैंग्वेज सपोर्ट करती है। यहाँ पे मराठी, नेपाली, हिंदी, गुजराती, बहुत कुछ लैंग्वेजेस इसके अंदर दी है, और मेन बात संस्कृत लैंग्वेज भी इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो यहाँ पे UPI का ऑप्शन भी इस फोन के अंदर दिया है, जियो चैट आ जाता है, यहाँ पे जियो न्यूज दिया है। जियो की जो एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन इसके अंदर यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको जियो हेल्पलाइन का भी ऑप्शन दिया है। इसी के साथ ही कैलकुलेटर, कैलेंडर,
फाइल मैनेजर ये भी दिया है यहाँ पे, इंटरनल स्टोरेज जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अलार्म के भी ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ये भी दिया है। कॉल रिकॉर्डिंग आप फाइल मैनेजर के अंदर डायरेक्टली सुन सकते हैं, और एफएम रेडियो का ऑप्शन दिया है। एफएम रेडियो की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्टली वायरलेस एफएम रेडियो इस फोन के अंदर जो ये दिया है यहाँ पे, अगर आपको कुछ सर्च भी करना रहा तो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट का ऑप्शन दिया है, असिस्टेंट आ जाता है गूगल वॉइस असिस्टेंट, और जियो पे का ऑप्शन दिया है। जियो पे से जो है ये आप यूपीआई थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो नंबर बैंक में रजिस्टर है वही आपका इस फोन के अंदर होना कंपलसरी है, तो ही आप यूपीआई थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जो वीडियो कॉल दिया डायरेक्टली आप वीडियो कॉल इस फोन के अंदर लगा सकते हैं। कैमरा का भी ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मेन तो फीचर्स थे जैसे व्हाट्सएप और यूट्यूब, इसके लिए ही जियो फोन जो है कम प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी भी बोल सकते हैं आप। ये जो फोन है सिर्फ 2799 के अंदर लॉन्च हुआ है, 2799 के अंदर 2800 रुपये की रेंज में ये फोन आपको मिलता है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा फोन है। हैंडसेट के अंदर डिज़ाइन भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन दी है, लुकिंग वाइज भी काफ़ी प्रीमियम सा लुक दिया है, और बिल्ड क्वालिटी ये थोड़ी बेटर की है पहले के जो फ़ोन थे उनसे। और हैंगिंग की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा जैसे पहले के फ़ोन हैंग होते थे। जियो का जो पहला फ़ोन आया था वो बहुत ज़्यादा हैंग होता था, लैग होता था, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ महसूस फिलहाल तो नहीं हुआ है। हैंडसेट के अंदर रिचार्ज की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो ये 123 का जो रिचार्ज है 123 वाला वही प्लान यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको नेट और कॉलिंग दोनों भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कम प्राइस रेंज के अंदर आप काफ़ी आसानी से इसको बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।